गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SG मैथ क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म नंबर 1, व्हेन इक्वेशन इज ऑफ द टाइप f of p comma q equal to 0, that means neither x nor y nor z present in the equation। इसका मतलब इसमें ये कि केवल function of p और q होगा, x नहीं होगा, y नहीं होगा और z नहीं होगा। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज जेड इज इक्वल टू पी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। चूँकि कंप्लीट सॉल्यूशन हम बात कर रहे हो, यहाँ पर हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल होंगे। तो पी का मतलब है डेल जेड बाय डेल एक्स और क्यू का मतलब है डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहाँ एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं 3। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन का यूज़ करते हैं, एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0, मतलब पी की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ए और क्यू की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं बी। कैसे? अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स यानी कि ए, और डेल जेड बाई डेल एक्स हम सभी जानते हैं पी होता है, तो पी इक्वल टू ए। और सिमिलरली अगर हम जेड को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो ये 0, सी 0, ये हो जाएगा बी यानी कि क्यू इज इक्वल टू बी। तो सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, पी की जगह तो ए रख दिया, क्यू की जगह बी कर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा, ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, हम या तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे या बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और मेन इक्वेशन जो सॉल्यूशन है हमारा 1, इसमें पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम उसे कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए, इस फॉर्म पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में वेयर पी इज डेल जेड बाय डेल एक्स एंड क्यू इज डेल जेड बाय डेल वाई, और ना तो एक्स है, ना ही वाई है और ना ही जेड है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 हो गई। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या हो गया, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब एफ ऑफ ए कॉमा बी यानी पी की जगह तो ए रख दो और क्यू की जगह बी रख दो, तो एक रिलेशन मिल जाएगा, पी की जगह ए कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर, या तो ए की वैल्यू फाइंड कर ली या बी की वैल्यू फाइंड कर ली, दैन बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी। तो हमको सॉल्यूशन मिल गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, विच इज़ जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी, या अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ए की जगह वैल्यू रख दी, प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ हम देखें तो ये भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, और हम देखें तो ये भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, इन टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए एंड सी एंड टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बी एंड सी। दिस इज आर फर्स्ट सॉल्यूशन और दिस सॉल्यूशन। नाउ सिमिलरली इफ टेक सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस बेस पर, तो हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू, सपोज हमने ले लिया 1, अगेन ना तो x है, ना वाई है और ना ही जेड है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 कहती है कि ना तो x होना चाहिए, ना y होना चाहिए और ना ही जेड होना चाहिए, केवल p और q होना चाहिए। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, सीधा सीधा हो जाएगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी। अब या ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी की जगह या तो ए और क्यू की जगह बी रख देंगे, और यहाँ से या तो ए की वैल्यू या बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर रूट लिया तो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट बी स्क्वायर, या बी की वैल्यू फाइंड कर ली एक ही बात है और यहाँ रख दिया, तो हमारा सोल्यूशन हो गया जेड इज इक्वल टू 1 माइनस रूट बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। ये हो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म टू। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ये है कि फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा जेड इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें ना तो एक्स हो ना ही वाई हो, ना तो एक्स प्रेजेंट हो क्वेश्चन के अंदर ना ही वाई हो, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं एक्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एक्स प्लस ए इंटू वाई। जो दो वेरिएबल्स हैं, स्मॉल पी किसके इक्वल है डेल जेड बाय डेल एक्स, और स्मॉल क्यू किसके इक्वल है डेल जेड बाय डेल वाई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक दो वेरिएबल को ज्वाइन करके एक वेरिएबल बना दिया। अब क्या करेंगे, स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे स्मॉल पी किसके इक्वल होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो हमने यहाँ से फाइंड किया एक्स जो है किसका फंक्शन है कैपिटल एक्स का, तो डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स बाय डेल एक्स। अब नाउ जेड जो है वो एक्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्स जो है इन दो वेरिएबल को मिला के एक वेरिएबल बनाया गया है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा डी जेड बाय डी एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स, और डेल एक्स बाय डेल स्मॉल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली तो वो हो गई वन, और डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई के डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड कर ली तो वो हो गया ए। तो दिस इक्वल टू वन पुट कर दिया तो डी जेड बाय डी एक्स, एंड सिमिलरली क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करी डेल जेड बाय डेल वाई विच इज डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल वाई चेन रूल से, लेकिन वही एक्स जो है वो एक वेरिएबल बना दिया गया है इसलिए ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी में, और इसका डेरिवेशन हमने कर दिया डिफरेंशिएशन हमने कर दिया तो वो हो गया ए। दिस मीन्स इट इज़ सिंपली ए डी जेड बाय डी एक्स, और ये वैल्यू पी और क्यू की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी फंक्शन ऑफ डी जेड बाय डी एक्स कॉमा क्यू की जगह हमने रख दिया ए डी जेड बाय डी एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चन है जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म टू के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।